गुड इवनिंग इंडिया। ये वो जगह है जो इंडिया को देगी 2019 का पहला कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक। अवसर के बिना इंडिया हुनर बेकार है, और इस अवसर का फायदा उठाने के लिए देश के कोने कोने से लाखों बाइक और कार मैकेनिक्स ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। और पहले पड़ाव के बाद इन लाखों मैकेनिक्स में से चुने गए 80 मैकेनिक्स। दूसरा पड़ाव था मुंबई, जहां ली गई इन 80 मैकेनिक्स के हुनर की असली परीक्षा। इस परीक्षा ने हमें दिया टॉप 8 बाइक मैकेनिक्स। लेकिन अब होगी इनकी अग्नि परीक्षा, जिससे गुजरने के बाद हमें मिलेगा हमारा कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बाइक। इंडिया, बात परीक्षा की हो रही है तो बिना गुरु के बात आगे कैसे बढ़ सकती है? प्लीज वेलकम द मास्टर मैकेनिक, द बाइक एक्सपर्ट, योगी छाबड़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक। एंड अ प्लेजर टू सी यू। प्लीज टेक अ सीट। तो इंडिया, कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बाइक का पहला राउंड है स्टैंडर्ड चेक्स। आज हमारे 8 बाइक मैकेनिक्स को इन 25 से 30 स्टैंडर्ड चेक्स में से खामियां ढूंढनी है, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द फर्स्ट राउंड। देखते हैं पहले कौन आता है। आप ही बताइए इस मुकाबले में सबसे पहले कौन आएगा। पहले कंटेस्टेंट हैं मणिकंदन के। इन 3, 2 உள்ள போய்ட்டு எது நான் மறந்திர கூடாது। 1 லெட்ஸ் பிகின। और नॉर्मली जब हमारे पास सर्विस के लिए कोई व्हीकल आती है, 25 से 30 चेक पॉइंट्स होते हैं। इन लोगों को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम चेक पॉइंट्स देखने। सेल्फ नॉट वर्किंग, माय लेवल वेरी वेरी लो, आरएम नॉट वर्किंग, स्पीडोमीटर नॉट वर्किंग, फ्रंट व्हील टाइट, इंडिकेटर बस्टर वर्क आउट। यू डन। क्या बात है यार, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले कंटेस्टेंट है सर परमार परेश भाई देवशी भाई। पूरा नर्वस हूँ। इन 3, अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। 2, कभी जाकर देखता हूँ क्या होता है। 1, योगी जी 3 मिनट और 30 से ऊपर चेक्स, ये कोई खाने का काम नहीं है, ये बड़ा ही मुश्किल को नहीं। चेन भी थोड़ा ढीला था, रियर में लेफ्ट वाला जंपर बुश नहीं था, फ्रंट व्हील जाम था और उसका हॉर्न बंद था। ये कंपटीशन है, तो बेसिकली इनका चैलेंज यही है कि इनको देखना है कि और क्या खामियां मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि जितनी ये खामियां निकालेंगे उतना इनका विनिंग का जो चांस है वो और बेटर हो जाएगा। ब्रेक लाइट बंद थी, सेल्फ बंद था, ब्रेक थी जो कम थी। 3, 2, 1 and your time's up. अगले कंटेस्टेंट हैं संजीत घोष। And 3, 2, 1 जाके हम पूरा 100% दे। Let's go. All the best संजीत जी। Full power है संजीत जी यार। कि ये जितना चैलेंजिंग लग रहा है, ये उतना तो चैलेंजिंग नहीं है। पहले हमने क्लच लीवर का फ्री प्ले देखा है, और नहीं बज रहा है गाड़ी का, सिर्फ खराब है। इंजन ऑयल जो गेज है वो कम है, पीछे का ब्रेक का लाइनिंग खराब है। सच कहा जाए तो ये जितना चैलेंजिंग दिख रहा है उससे कई ज्यादा चैलेंजिंग है। फ्रंट रियर ब्रेक लाइट नहीं जल रहा है, फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील का टायर प्रेशर नहीं है। कॉन्टेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, इंडिविजुअल गेम हुआ सबसे बढ़िया है, जो जिसका जैसा टैलेंट है वो दिखा सकते हैं इससे। अगले कंटेस्टेंट हैं पलीबोयना माधव राव। 3, भाई मैं ले दू। 2, ना पल्ली चेयर वरको ना बजट ना कहते चांस ना इतने ले दू। 1, ओके। ये जो डिटेक्टिव की तरह सर नोट्स बना रहे हैं, इनके आजू बाजू घूम रहे हैं, ये सज्जन कौन है? जी ये अप्रेजर है, समवन हु इज वेरी टेक्निकली साउंड। इन्हें पता है बाइक में क्या खामियां हैं, इन्हें पता है क्या क्या जो कंटेस्टेंट है वो क्या क्या चेक करना चाहिए फॉर हिम टू गेन दोज पॉइंट्स, गेन दोज मार्क्स। इसलिए ये जो है चारों तरफ घूम रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, सारे नोट्स लिख रहे हैं। ये बताएंगे हमें कि कंटेस्टेंट्स ने क्या क्या चेक किया है, क्या क्या नहीं किया है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 Time up. Malik ji, all the best. All the very best. So the next contestant is Sarvana Kumar Subramanian. Ready in 3. Kandipa padatha marke enadala enoda best kandipa kudukuren. 2. Kandipa na workshop la enna pannanum adhe da pay panna poren. 1. सुंदर जेस्चर किया इसने, आते ही ना चुके हैं। अगर आप अपने काम को इज्जत देंगे तो आपका काम आपको इज्जत देगा। बिल्कुल।
देखिए मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक भी है जो शौकिया है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कभी किसी मैकेनिक के पास मैं जब मैं भेजता हूँ तो उसको 10 चीजें बोलता हूँ कि भाई तू ये चेक करके भेज, बिल्कुल सब कुछ चेक मत कर। अच्छा ये लोग जो है वो कंपनी के हिसाब से चेक कर रहे हैं या यूजर के हिसाब से चेक कर रहे हैं? लाइक सर अभी जो कंपटीशन के हिसाब से जो होता है वो कंपटीशन होता है कंपनी के हिसाब से। ओके, तो कंपनी के जो चेक्स हैं वो जो हमारे थानेदार साहब हैं, थानेदार साहब वो चेक कर कंपनी के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि कंपनी के हिसाब से एक सर्टेन चीज एक सर्टेन तरीके से चलनी चाहिए, वो चल रही है या नहीं। பிரைவேட் மெக்கானிக் ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்குது, இது மாதிரி ஒரு சூப்பர் மெக்கானிக்கும் ஒரு கான்டெஸ்ட் நம்மளையும் நம்மள திறமையும் வளர்த்துக்கு ரொம்ப உதயகமா இருந்தது. 1 minute to go. ஹாய் क्या बात, ऐसे मत कर यार। With a minute in hand, Vijaya Kumar in 3. கொஞ்சம் நர்வஸா தான் இருக்கு. 2. பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவோம் நம்பிக்கை இருக்கு. 1. ஓகே. अगर हकीम जो है नब्ज पकड़ के बीमारी नहीं बता पाएगा फिर तो वो हकीम बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अभी हमारे जो इंटेस्टिन्स हैं वो इतने मंजे हुए हैं कि वो छूते ही कुछ स्विचेस दबाते ही कुछ लाइट्स ऑन होते ही इन्हें पता चल जाएगा कि इनकी जो नाड़ी है उनमें क्या खराबी है। அது வந்து கிளட்ச் சார், அது வந்து லூஸா இருந்துச்சு, ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டைட், த்ராட்டில் பிரிப்பிலே இல்ல, அடுத்து வந்து ரியர் பிரேக் ஓவர் லூஸ், செயின் டைட் ஓகே பட் நாய்ஸ் இருக்கு, செல்ஃப் ஸ்டார்ட் நாட் வர்க். वैसे खामियां ढूंढनी जरूरी है, बिल्कुल खामियां नहीं ढूंढेंगे तो खामियाजा भरेंगे। 30 seconds to go विजय, इज दैट ऑलरेडी, क्या बात क्या क्या है यार ये लोग। किशोर कल्लप्पा घटाड़े इन 3. जो भी दूंगा बेस्ट ही दूंगा। 2. कोल्हापुरी जगत भारी। 1. माइंड इट। देखिए हम लोग एक्टर लोग हैं जी, अपन सिर्फ एक ही चेक जानते हैं है। जो महीने भर काम करने के बाद अपने अकाउंट में आता है। ये स्टैंडर्ड चेक जो है पहले तो जरूरी कितना है? स्टैंडर्ड चेक जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये मेंटेनेंस है। ओके भाई, अब जैसे आप जिम जाते हो, आप खाना खाते हो, हर चीज की जरूरत है राइट। अगर आप जिम नहीं जाओगे तो आप जो अभी काम कर रहे हो कर नहीं पाओगे, मतलब जैसे फिट दिखना चाहिए वैसे दिख नहीं पाओगे, वैसे रोल्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली जब मोटरसाइकिल जो है ये ज्यादा करके हम कम्यूटिंग के लिए यूज करते हैं, ऑफिस जाना आना, मार्केट जाना आना, वाइफ को पिकअप करना लेकर आना राइट। तो अगर ये सही से नहीं चलेगी तो फिर कहीं ना कहीं काम रुक जाएगा। क्या बात है, इज द फास्टेस्ट टू नाउ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने ठान ली कि बाबा हम अगर करियर एजुकेशन में नहीं कर सकते तो कैस्ट्रॉल ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए खड़ा किया है तो उसमें पार्टिसिपेट लेके खुद को साबित करना, यही अब मेरा लक्ष्य है। प्रवेश कुमार रावत इन 3. दिमाग में घूम रहा है सब कुछ। 2. भी टास्क क्या मिलने वाला है। 1. बाइक कहाँ, मगर कहाँ जा रहे हैं? मौसा कहा करते थे कि लोगों को इंसान में खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी ये जो 8 बाइक मैकेनिक्स हैं, हाँ। इन्होंने मेरे मौसा से कभी मुलाकात की है। वरना आज कंटेस्टेंट में इतना बढ़िया कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली खामी थी कि इंजन ऑयल कम था, अगला डिस्क जाम था, फ्रंट जो एयर प्रेशर है वो भी कम था, हॉर्न काम नहीं कर रहा था उसका, और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी। जिस तरह से खामियां ढूंढ रहे और जितनी तेजी से ढूंढ रहे वो पता नहीं आपके मौसा जी को शायद पसंद ना आता। पर आज का जो ये कंपटीशन है और जो कर रहे हैं, आइडियली जितनी खामियां ये ढूंढेंगे उतना इनके स्कोर्स के लिए भी अच्छा है। चैन प्ले ज्यादा थी, गियर हार्ड शिफ्टिंग था, ब्रेक लाइट लगातार जल रही थी उसके, यानी कि ब्रेक स्विच खराब था। जैसे आए थे स्लो मोशन में पर काम तेज हुआ है, जबरदस्त फास्ट मोशन में कर रहे हैं एकदम। ऑल द बेस्ट प्रवेश जी। थैंक यू सर। तो पहले राउंड का मुकाबला यहीं खत्म होता है। जब तक रिजल्ट्स हमारे हाथ में आए उससे पहले हम आपको दिखाएंगे घर बैठे सुपर मैकेनिक बनने के कुछ आसान तरीके। सोचिए अगर आप बाइक स्टार्ट करने के लिए चाबी ऑन करें और डैशबोर्ड पर कुछ भी नजर ना आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ्यूज बॉक्स खोलिए, सारे फ्यूज एक के बाद एक चेक कीजिए और जो भी फ्यूज खराब हो गया हो उसे बदल कर तुरंत नया फ्यूज लगा दीजिए। अगर उसके बाद भी बाइक स्टार्ट ना हो तो किसी सर्विस सेंटर पर ले जाइए, मगर याद रखिए अपने टूल किट में हमेशा स्पेयर फ्यूज जरूर रखिए। अब इंडिया वो पल आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे एक्सपर्ट्स ने अपना फैसला ले लिया है, जिसने 3 मिनट के भीतर सबसे ज्यादा खामियां ढूंढी और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड चेक्स किए, ये फैसला उस बिना पर है। आप सभी के हाथ में एक एक पाउच है, इन पाउचेस में एक एक कार्ड है, या तो उस कार्ड का रंग लाल है या हरा है। अगर आपके कार्ड का रंग लाल है तो कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक कॉन्टेस्ट में मैकेनिक से कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बनने का यह सफर
आपके लिए यही खत्म हो जाएगा। और अगर उस कार्ड का रंग हरा है तो यह सफर जारी रहेगा। किशोर जी आपसे शुरू करते हैं। ग्रीन। आपका यह सफर जारी रहेगा। मणिकंदन साहब, सो वी विल सी यू द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माधव राव जी, यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी, आपका सफर फिलहाल यहां यही खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। सरवण कुमार, ये सफर आपका जारी रहेगा। कांग्रेचुलेशंस। संजीत जी, क्या रंग है आपके कार्ड का? इट्स रेड। ये सफर फिलहाल इस सीजन के लिए यही खत्म होता है। प्रवेश जी और परेश जी, आप दोनों ये कार्ड एक साथ निकालें। व्हाट अ टेरिफिक परफॉर्मेंस का योगी जी। टेरिफिक। परेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, आप तीनों का मैकेनिक से कैस्ट्रोल सुपर मैकेनिक बनने का सफर जारी रहता है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। प्रवेश, किशोर, सर्वनंद, तीनों में से वो कौन है जो फाइनल एपिसोड का हिस्सा होंगे? वेलकम बैक टू कैस्ट्रोल सुपर मैकेनिक, जहां हम ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान का सुपर मैकेनिक बाइक। और मेरे साथ अब भी बने हुए हैं योगी जी। पहले राउंड के बाद अब बचे हैं तीन बाइक मैकेनिक्स, और इन्हीं के बीच होने वाला है अगला मुकाबला, यानी कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तीनों बड़े जच रहे हैं, आप लोग तैयार हैं? और इस राउंड में मैकेनिक्स को खामियां सुधारनी है। इस इंजन में गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है, इसलिए इसके गियर नहीं लग रहे हैं, ये गियर लटक रहे हैं यहाँ पर। गियर शिफ्टिंग काम नहीं कर रहा, इसलिए इसको भी ओपन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या फॉल्ट है। अब आपको उसे ठीक करना है। आप चाहे तो गियर बॉक्स के पार्ट्स बदल सकते हैं, मगर याद रखें, इस काम को करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 60 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, लेट्स गो फॉर इट। तीनों जो कंटेस्टेंट्स हैं, तीनों के पास एक तरह के स्पेयर्स हैं। अब इनको देखना ये है कि सारे स्पेयर्स जो खराब दिए गए हैं वो ही रिप्लेस हों, सिर्फ ना ज्यादा ना ज्यादा कम, राइट? करेक्ट। उन्होंने अगर सही स्पेयर्स इस्तेमाल किए फिर उनको जज किया जाएगा टाइम बेसिस पर। तो अभी 60 मिनट सबको इक्वली दिए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन फिर कौन कितने कम समय में कितने अच्छे से उसको रिबिल्ड करता। நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டாஸ்க் கூப்பிட்டு உள்ள வரும்போது நான் கியர் பாக்ஸ் பார்க்கணும், கண்டிப்பா அந்த டாஸ்க் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்லி ரொம்ப ஷேக் ஆனேன். இருந்தாலும் நான் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது என்னங்கறத நான் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கான்டெஸ்ட்ல நாம விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல நான் பண்ணினேன். அப்படியே ஜா ரே ஹமாரே நயே பார்ட்ஸ் கி தரஃப், ये लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन से पार्ट्स कहाँ फिट होने हैं। उधर एक कंडीशन भी थी कि अगर आप गलत पार्ट उठा दे तो वापस उसको रख नहीं सकते। बहुत ही बारीकी से इनको देखना है क्या खराब है, बहुत ही बारीकी से इनको चुनना है क्या रिप्लेस करना है। तो ये जो तीन है, तीन में से जो दो है ये फाइनल्स की ओर जाएंगे। प्रवेश जी इज ऑन राइट नाउ, इज ऑलरेडी फिक्सिंग द गियर्स, इज ऑलरेडी फिक्सिंग द सेंटर केसिंग। तीनों ही करीबन करीबन सेम लेवल पे आ चुके हैं। Ravish is still leading a little, ahead. Yes, a little ahead. So that basically shifter rod is when you press the gear with right. The left foot. More out. पहले उसमें हमारे पास एक थानेदार साहब थे, अब तीन, अब हर कंटेस्टेंट के लिए एक थानेदार साहब। तो अभी इनका जो काम है बेसिकली हर चीज का एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो काम कर रहे हैं तीनों, इसका भी एक प्रोसीजर है। ओके। ये जो थानेदार है इनका काम बहुत बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज ये जो है अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि SOP जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं, हर चीज अपनी जगह पर जारी है या नहीं, हर चीज सही से रिप्लेस हो रही है या नहीं, जो डैमेज्ड पार्ट्स थे वो रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं। बेसिकली इनका काम है देखना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। सो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन सर्वनंद और प्रवेश जो है वो थोड़े से किशोर से आगे हैं। सर्वनंद जो है वो हाउसिंग जो है वो फिक्स करने में लगे हुए हैं जी। क्या आपको पता है कि प्रवेश और किशोर जो है वो सर्वनंद से काफी पीछे है? नहीं, काफी पीछे तो नहीं है। सर्वनंद जो है ही इज वन स्टेप अहेड। यस,
तो अगर आप अभी आप देखेंगे तो सरवनन की स्पीड देख के बाकी के दो भी जो हैं गियर अप हो गए, दे विल हैव टू स्टेप द गेम अप। ये इतना डिफिकल्ट काम है और जब अपने पास बाबा चार कैमरे तो तुम पर फोकस लगा के रहते हैं, इतना प्रेशर रहता है कि मानो सिलेंडर से ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर पड़ता है। ये जो है सब कुछ सारा कुछ असेंबल होने के बाद जब गियर ठीक से गिरेगा दैट्स व्हेन वी नो काम सही से हुआ। सर्वानंद जी वापस खोल रहा है, am I seeing it right? Yes, yes. क्लच काम नहीं करेगा तो गियर भी नहीं गिरेंगे। करेक्ट है। सो फॉर द गियर्स टू फॉल द क्लच हैज टू बी फिट। प्रोबेबली जो क्लच है वो ठीक से बैठा नहीं है। नाउ इफ यू सी किशोर इज लीडिंग, सो इट्स अ वेरी डाइसी गेम राइट नाउ। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। सो प्रवेश नाउ इज असेंबलिंग द अदर साइड ऑफ द एज। किशोर इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज। ओके एंड सर्वानंद इफ यू सी राइट नाउ इज फिक्सिंग द अदर साइड बैक। Oh. Right, he's back onto assembling the other side. All right. 30 minutes to go. Kya baat hai? This is very, very really, really edge of the seat. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் மாற்றணும், தேவையில்லாத பார்ட்ஸ்களை மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கண்டிப்பாக அவங்க கொடுத்த டாஸ்க்கில் இருந்தது. அதில் தேவையான பார்ட்ஸ்களை மட்டுமே மாற்றினேன். மே சாரா குஷ் டீக் டாக் கர் ரா தா ஓர் மேரா கியர் ஷிஃப்டிங் கா பி ஓகே தா, சப் குஷ் படியா தா, லேக்கின் மேரே திமாக் சே பேக்கிங் ஜோ ஹோதா ஹை ஆயில் பேக்கிங் வோ நிகல் கயா தா, வோ முஜே யாத் நீ ரஹா கி யே யஹான் பே ரக்கா பி ஹை. இட் லுக்ஸ் லைக் சர்வனன் இஸ் டன். ஹி சீம்ஸ் டு பி வெரி கான்ஃபிடன்ட் ஃபார் திஸ் ஜாப். இட் லுக்ஸ் லைக் தட் கிஷோர் இஸ் டன் வித் The assembly. सर्वनन और किशोर दोनों कर चुके हैं जी। सही है नहीं है ये नहीं पता है जी। हो सकता है कि हमारा जो कछुआ है फिलहाल जो प्रवेश है जी। वो इन दोनों खरगोशों को मार दे। गियरबॉक्स बाइक का सबसे मेन हिस्सा होता है और उसको असेंबल करना आसान नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि हमारे किशोर साहब और सर्वनन साहब ने अपनी वाइफ को इतने ध्यान से कभी नहीं देखा होगा जितने ध्यान से ये लोग प्रवेश को देख रहे हैं। 15 मिनट्स टू गो। प्रवेश अब भी काम पे लगे हैं लेकिन जो पोजीशन इनकी आपको दिखाई दे रही है क्या आपको लगता है 15 मिनट काफी है? अभी जो पोजीशन मुझे दिख रही है उसमें डिफिकल्ट लग रहा है। अब जो है आप अगर देखेंगे तो प्रवेश में घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। हाथ कांप रहे हैं थोड़े से। आई थिंक ही इज गिविंग अप। पैकिंग ने सारा काम भी। प्रवेश मैं आपको बता दूं कि 11 मिनट से ज्यादा आपके पास अभी बाकी है। अब अगर ट्राई करना चाहें प्रवेश तो दिस इज द राइट टाइम। कम ऑन डोंट गिव अप। बड़े कमाल का इंस्पायरिंग मोमेंट है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये अपने मन में जानते हैं कि बहुत ही स्लिम चांस है इनके जीतने का, बट जस्ट गोइंग थ्रू राइट टिल द एंड अपने आप में इट यू इनकल्केट अ वेरी वेरी गुड हैबिट। मैं यूपी बुलंदशहर के गांव कुरली का रहने वाला हूं। मेरा बचपन से ही मैकेनिक लाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये मेरे बचपन की बात है, लगभग 8 साल के आसपास मेरी उम्र रही होगी। मेरे भाई का ट्रैक्टर रास्ते में चलते चलते बंद हो गया। वो ट्रैक्टर मैंने सुधारने का प्रयास किया और वो मैंने सुधारा भी और वहीं से मेरी मैकेनिक लाइन की जर्नी शुरू हो गई थी। लेकिन एक किसान परिवार के नाते मेरे को कुछ लोगों ने कहा इससे हो कुछ नहीं पाएगा। जब भी मैं कुछ नया करना चाहता था तो मुझे ताने ही मिलते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद भी मैंने अपना खुद का एक वर्कशॉप बनाया। तो इसी राह पे मैं आगे बढ़ते हुए जो बाइक इंजन होता है उसमें मैंने नया कुछ डिजाइन किया है। बाइक में जो लिक्विड है, जो हीट उससे निकलती है, वो वातावरण को पॉल्यूशित करती है। मैंने उस हीट एनर्जी को द्वारा से यांत्रिक में परिवर्तित कर दिया है, तो उससे बाइक को एक बेटर पिकअप मिलेगा और उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। अभी मैं सुपर मैकेनिक में आ गया हूँ तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे मुझे बढ़ावा मिलेगा, ना कि ताना, और लोग मेरे काम को समझेंगे और मुझे बढ़ावा मिलेगा। गुड गोइंग प्रवेश, कम ऑन। ये इतना रोमांचक माहौल यहाँ पे बन गया है। सर्वनन ने देखिए बहुत सारे पार्ट्स लिए। बिल्कुल हमारे प्रवेश साहब ने वक्त बहुत ज्यादा लिया। किशोर का कुछ समझ नहीं आ रहा है अब इनमें से कौन जीतने वाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से योगी जी। कमाल है, गिव अप करते करते आदमी ने पूरा इंजन बांध दिया फाइनली। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। क्या बात है प्रवेश, क्या बात है प्रवेश। आपकी स्पिरिट के लिए पहले तो जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मांगने बस। कमेंडेबल, तीरों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। बिल्कुल, लेकिन अब जो काम है वो आपके अप्रेजर्स का है। यही बताएंगे किसने बेहतर परफॉर्म किया है और किसने बेहतरीन। तीनों में से वो कौन है जो फाइनल एपिसोड का हिस्सा होंगे, वो नाम जो फाइनल में जाएंगे वो है, आज नहीं बताऊंगा। ये तो आपको फाइनल एपिसोड में ही पता चलेगा सर। हमारे ये जो महा मैकेनिक्स हैं, इनका रिजल्ट तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप अपने हुनर के, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। दोस्तों ये था कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बाइक की खोज का एक पड़ाव।
अगले एपिसोड में आपके सामने होंगे 8 चुने हुए कार मैकेनिक्स और उनके बीच होगा कड़ा मुकाबला। याद रहे, मैकेनिक बिगड़ी बाइक बनाता है, हेलमेट आपकी जान बचाता है। हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। 8 कार मैकेनिक्स में से सिर्फ 3 कार मैकेनिक्स ही आगे जाएंगे, बाकी 5 का मैकेनिक से कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बनने का सफर यहीं खत्म हो जाएगा।